हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ये बटरफ्लाई। देखिए बहुत सुंदर है ये। मैंने ऑरेंज और ब्लैक में बनाई है, और अब जो मैं बनाऊंगी वो ब्लू और ब्लैक में बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसके लिए धागा ले लिया है, धागे को अपने उंगलियों पर लपेटेंगे। हम मैजिक रिंग बनाएंगे। दो बार लपेटने से क्या है, थोड़ा मजबूत हो जाएगी मैजिक रिंग। जब धागा खींचेंगे तो धागा टूटने का डर नहीं रहता है। तो इसमें अब गांठ लगाऊंगी मैं। अब तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे। तो ये एक हमारी तीन चेन वाली हो गई, एक हमने अभी कर ली और एक तीसरी ये कर दी। तीन डबल क्रोशिया करेंगे हम। अब हम दो चेन करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन। अब दो चैन लेंगे, और फिर डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन हो गए हमारे। और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक दो तीन, फिर दो चैन लेंगे। इसके बाद दो चैन लेने के बाद आप हम क्या करेंगे, ये हमने जो थ्री डबल क्रोशिया और टू चैन, थ्री डबल क्रोशिया और टू चैन बनाए हैं, इस तरह से हम ये 24 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये टू चैन करके हमने बनाई हैं, इस तरह ये कलियां बन जाएंगी, एट कलियां बन जाएंगी हमारी। तो इस तरह से हमने ये पूरी अपनी मैजिक रिंग भर ली है। देखो आठ कलियाँ बन गई हैं हमारी। अब हम अपनी मैजिक रिंग को बंद करेंगे। टू चेन कर ली मैंने, उसे स्लिप स्टिच करने से पहले मैं इसे मैजिक रिंग को बंद करूँगी। जब हमने मैजिक रिंग बनाई थी तो डबल लिया था धागे को, तो उसे देख के संभाल के खींचेंगे ताकि हमारे दोनों धागे खिंच जाएं। और मैंने बंद कर दिया मैजिक रिंग को। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच करके थ्री चेन लेंगे हम। फिर से थ्री चेन लेने के बाद अब इसी में हम जो कली बनी है हमारी, इसी में डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारी टू हो गई हैं ये और थ्री। अब टू चेन लेंगे, वन टू, और फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इसी जगह, वन टू थ्री। हमने इसमें थ्री डबल क्रोशिया, टू चैन और थ्री डबल क्रोशिया करी हैं। फिर आगे करेंगे अब दूसरी वाली कली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री डबल क्रोशिया करेंगे इसमें भी, टू चैन बनाएंगे, फिर से थ्री डबल क्रोशिया करेंगे, टू। हमने थ्री डबल क्रोशिया कर ली है इसमें। अब टू चेन बनाएंगे हम यहाँ पर, और पूरा इसी तरह से भर लेंगे राउंड को। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है अपना। इसमें हमारी ये कलियाँ जो बनी हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसमें भी एट बनी है। अब हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इसमें।
और एक बार और कर देंगे आगे, तो धागा थोड़ा मजबूत हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो हम अपना ये धागा कट कर देंगे यहाँ से। हमारा इसका काम खत्म हो गया, हम दूसरे कलर का धागा यूज करेंगे इसमें। हम इसमें दूसरा धागा लगाने से पहले ये जो धागे निकलना है हमारे, इन्हें एडजस्ट कर देंगे अपने, ताकि ये निकले ना बाद में और दिखें भी ना। इसी तरह मैं इसे यहाँ पर कर दूँगी, पीछे का भी ऐसे एडजस्ट कर दूँगी। अब मैं इसमें ब्लैक कलर लगाऊँगी, ये जो हमने बनाई है पंख इसके आउटलाइन, इसमें ब्लैक कलर का यूज करूँगी। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये जो कलियाँ बनाई हैं, किसी भी एक कली से स्टार्ट करेंगे अपना, इसमें डालेंगे क्रोशिया और इसमें नॉट लगाएंगे। चार चेन बनाएंगे इसमें, 1 2 3 4। एक हमने इसमें 3 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम 1 2 3 4 चार चेन लेके इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। दो चेन लेंगे, 1 2। और हमने जो नीचे ये 3-3 के जो डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ से देखेंगे जो यहाँ से हमने डाले हुआ है, तो 1 और 2 इधर 1 रह जाएगा, तो इसके बीच से निकालेंगे अपने क्रोशिया को। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, वापस से इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। दो चेन लेंगे, 1 2, और फिर से इसी तरह करेंगे। ये जो हमने नीचे 3-3 के बनाए थे, इसमें से 1 इधर छोड़ देंगे और क्रोशिया डालेंगे अपना, स्लिप स्टिच कर देंगे इधर। फिर 2 चेन लेंगे, 2, और ये अगली कली नेक्स्ट कली इसमें डबल क्रोशिया करेंगे 3। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और फिर स्लिप स्टिच कर देंगे इसमें से। फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह हमें अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ पूरा करके। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे जो हमने 2 चेन बनाई हैं लास्ट में, इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे इसमें। और एक और ले लेंगे ताकि धागा हमारा निकले ना।
हम इस धागे को भी यहाँ से काट देंगे। अब ऐसे टाइट कर देंगे, गांठ लगा देंगे, पीछे ले जाके इसे अच्छे से गांठ लगा देंगे हम इसकी, ताकि ये धागा निकले ना। अब इसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए। अब हम इसका ये पीच की बनाएंगे इसके। के लिए हम गांठ लगाएंगे अपने धागे में, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हम एक छोड़ के तीसरे में इसे स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। मैं इसे पूरे में स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ तक इस तरह, फिर दिखाती हूँ मैं। हमने यहाँ तक अपना स्लिप स्टिच कर लिया है। अब क्या करेंगे हम कि अब हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 चेन। 5 चेन लेने के बाद 2 बार क्रोशिया पर धागे को लपेटेंगे और यहीं से क्रोशिया डालेंगे अपनी। 2 हमारे इस पर रह जाएंगे ताकि फिर से हम 2 बार लपेटेंगे, फिर डालेंगे 1 बार। फिर से निकाल देंगे हम 2 धागे, फिर 2 बने रहेंगे, फिर से 2 बार लपेटेंगे, फिर डालेंगे 1 बार। और 1, 2, 3, 4 एक और बार करेंगे। हम इन सबको एक साथ निकाल देंगे। कुल मिला के हमने ये 5 बार किए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन बन गई हमारी। अब हम इसे एक साथ निकाल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चैन करेंगे। हम अपनी ये उठाएंगे बटरफ्लाई, इस धागे को भी हम अंदर की साइड ले लेंगे। अब इसे ऐसे रखेंगे यूँ और इसे नीचे से लाएंगे और यहाँ से क्रोशिया निकाल के अपनी इस लूप को ऊपर निकाल लेंगे। हम यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने 9 चैन ले ली हैं और 1 चैन स्किप करेंगे। 1 स्किप करने के बाद हर चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। हर चेन में स्लिप स्टिच करते हुए नीचे तक आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, बटरफ्लाई पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, आप यदि कुछ सुझाव देना चाहें मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट में, यदि मुझसे कहीं पे कोई त्रुटि हो रही है तो प्लीज़ बताइए जो भी है प्रॉब्लम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, हम ये स्लिप स्टिच करते हुए नीचे तक आ गए, यहाँ तक नीचे तक हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर लास्ट में एक हम इसमें मजबूती से गांठ लगा देंगे ताकि ये निकले ना। गांठ लगा के यहाँ पे इसमें ये, और अब इस धागे को हम कट कर देंगे। ये हमारी बटरफ्लाई यहाँ पे तैयार हो जाती है, और इस धागे को पीछे अच्छे से बांध देंगे इसे। ये जो लंबा लटक रहा है तो इसे गांठ लगाते हुए छोटा कर देंगे और अंदर की तरफ घुसा देंगे ताकि ये दिखे भी ना। फिर अब देखो, हमारी बटरफ्लाई पूरी रेडी हो गई है। देखिए, इसे थोड़ा सेट कर लेंगे दबाते हुए, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो बनाते समय उल्टे सीधे पकड़ते पकड़ते ये पूरा उथल पुथल हो जाता है। ये मैंने एक ऑरेंज बनाई थी, इसमें जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ब्लैक कलर में, अब ये करेंगे हम इस पर एम्ब्रॉयडरी। तो उसके लिए हमने सुई में धागा डाल लिया है वाइट वाला। अब हम इसमें कहीं से भी एक कली को ले लो, धागे को अंदर एंट्री करेंगे, और हमें धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, आराम से धीरे धीरे थोड़ा लूज रखते हुए धागे को स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे से टांके भरेंगे और उन्हें बिल्कुल भी नहीं खींचना है हमें, बहुत लूज रखते हुए धागा अंदर ले जाएंगे। तो पूरे हम ये कॉर्नर बने हुए हैं, पूरा कॉर्नर भर देंगे इस तरह। मैं ये पूरा भर के दिखाऊंगी, हमें ज़्यादा खींचना नहीं है धागे को, थोड़ा सा ऊपर छोड़ना है ढीला। फ्रेंड्स, मैंने ये तीन बटरफ्लाई जो बनाई है उससे मैं कलर चेंज कर दिए हैं बस। बाकी मैंने एक और है जो वीडियो के एंड में मैं दिखाऊंगी आपको, एक और बनाई थी वो इससे बहुत अलग है। तो मैंने ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बनाई हैं, तो आप प्लीज़ बताना ज़रूर कि आपको कौन सी वाली ज़्यादा पसंद आई। फ्रेंड्स, ये जो हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं इसे करने में टाइम लगेगा। देखिए, मैंने इसमें जो किए थे ऑरेंज वाले, मुझे बहुत टाइम लगाया करने में, तो इसे मतलब मैं करूँगी अभी आपको पूरा करने का दिखाऊँगी। इस पे येलो वाली पे भी करूँगी मैं, तो आप भी ऐसी बनाइए और अभी मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, मैं अभी देखो इसे पूरा करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारी तैयार कर ली हैं, तो आप बताना ज़रूर प्लीज़ कि आपको हमारी बटरफ्लाई कैसी लगी। ये मैंने तीन ये बनाई हैं, और एक मैंने ये बनाई थी ऑरेंज वाली, देखिए ये अलग है बिल्कुल, थोड़ी बड़ी भी है। ये चारों बटरफ्लाई मेरी 3D में है। तो प्लीज़ यदि आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कोई सुझाव है तो वो भी देना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में।